Hi students, how are you? Fine? Okay. Myself Chepi Gree from Saran ITG Mathematics welcomes you all in the world of Mathematics. Mathematics दुनिया में आप सभी का स्वागत है. आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12th के मैट्रिक्स चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं. इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स क्या होता है इस पर डिस्कस करेंगे, दैट इज इसका इंट्रोडक्शन हम करेंगे. उसके बाद मैट्रिक्स को फॉर्म कैसे किया जाता है, ऑर्डर्स क्या होता है, रोज कॉलम्स क्या होते हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे. और उसका बेस्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.1 में है, उस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रेसियस टाइम लेट्स स्टार्ट लर्निंग. चैप्टर का नाम मैट्रिक्स है. सबसे पहले जैसे कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं तो पहले उस चैप्टर के बारे में पढ़ते, यह जानने की कोशिश करते हैं आखिर वह है क्या, उसके अंदर हमें पढ़ना क्या है, उस चैप्टर के इनसाइड हमें क्या क्या मिलेगा. तो स्टार्ट हम मैट्रिक्स से ही करते हैं. मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स की मीनिंग, जनरल मीनिंग अरेंजमेंट होती है. मैट्रिक्स मीन्स अरेंजमेंट. कैसा अरेंजमेंट? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और डाटा. मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और डाटास एसोसिएटेड विद द ऑब्जर्वेशन. कोई ऑब्जर्वेशन हम करने जा रहे हैं और उस ऑब्जर्वेशन के बाद जो डाटा हमें मिलता है, उस डाटा को हम रेक्टेंगुलर शेप में कैसे अरेंज करते हैं, वही अरेंजमेंट हमारा मैट्रिक्स कहलाता है. सपोज करते हैं कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, उस नंबर्स को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अरेंज करेंगे. नंबर सपोज कर लिया कि -2, 0, 3, 1, 4 और 7. सपोज कर लिया कि हमारे पास 6 डिफरेंट नंबर्स यहाँ दिए गए. इन 6 डिफरेंट नंबर को हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो एक तो -2 को ऊपर लिख दिया, 0, 3 को यहाँ डाल दिया, फिर 1 डाल दिया, 4 डाल दिया और 7 डाल दिया. यह रेक्टेंगल के शेप में अरेंज हो गया. दैट इज कॉल्ड इट इज अ ट्राइंगुलर शेप. यह क्या होगा? एक ट्राइंगल के शेप में अरेंज हम कर दें, यह एक ट्राइंगल बन रहा है. क्या बन गया? यह एक ट्राइंगल बन गया. एक ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल के शेप में अरेंज हो गया. ट्राइंगल के शेप में अरेंज हो गया, ट्राइंगुलर अरेंजमेंट हो गया. अब इसको रेक्टेंगल के शेप में अगर अरेंज करना है तो -2, 0, 3, 1, 4 और 7 यह रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया. इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, -2, 0, 3, 1 और 4, 7 यह भी एक रेक्टेंगल के शेप में अरेंज हो गया. यह एक रेक्टेंगल बन गया, यहाँ भी एक रेक्टेंगल बन गया. क्लियर हो रहा है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया. अब जैसे ही रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जैसे ही हम पुट कर देते हैं तो यह जो अरेंजमेंट है इज कॉल्ड मैट्रिक्स. कंफर्म हो गया मैट्रिक्स क्या है? कि जो नंबर्स दिए गए उस नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम जैसे ही बिग ब्रैकेट, बड़े वाले ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट भी इसको कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं तो जो फिगर एक हमारे सामने विजुअल बना, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स. कंफर्म हो गया कि मैट्रिक्स क्या है? ओके. अब ये मैट्रिक्स बन गया. क्या ऑर्डर भी ऑर्डर तरीके से यही 6 जो नंबर दिया हुआ है, क्या दूसरे तरीके से हम अरेंज कर सकते थे? यस, कर सकते थे. मतलब और इन दोनों के अलावे एक्सेप्ट दिस रूल्स,
और अरेंजमेंट है कि नहीं है, तो उसका और अरेंजमेंट भी है। एक हो गया, हम ऐसे अरेंज कर लेंगे -2, 0, 3, 1, 4, 7, यह भी एक अरेंजमेंट है। या ऐसे कर देते -2, 0, 3, 1, 4, 7, यह भी एक अरेंजमेंट हो गया। ये फोर डिफरेंट अरेंजमेंट होगा। अगर सिक्स नंबर्स दिए गए हैं तो इन सिक्स नंबर्स से कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं? फोर डिफरेंट मैट्रिक्स बना, इतने फोर तरीके से इसको रेक्टेंगुलर के शेप में अरेंज किया जा सकता था। क्लियर हो गया? अब मैट्रिक्स तो समझ में आ गए, डिफाइन हम कर सकते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। अब मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स के बारे में हम यह जानेंगे कि वे टर्म्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आ रहा है रो, उसके बाद होता है कॉलम। तो पहले रो को देखते हैं, रोज क्या होते हैं। तो द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इन अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होगा, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट क्या होता है? उस सरफेस के पैरेलल जिस पर हम खड़े हैं, जो सरफेस है जो अर्थ है, उस अर्थ के पैरेलल जो भी लाइंस हैं, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट आर कॉल्ड रो। ये हो गया रो, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और वर्टिकल अरेंजमेंट को कॉलम बोलते हैं। वर्टिकल अरेंजमेंट क्या होता है? कॉलम। और कॉलम को जनरली सी से डिनोट किया जाता है, C1, C2, C3। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट आर कॉल्ड रो, वर्टिकल अरेंजमेंट आर कॉल्ड कॉलम। तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को रो कहते हैं। तो यहाँ रो वन हो गया, रो टू हो गया, यहाँ कॉलम वन, कॉलम टू और कॉलम थ्री हो गया। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ जाते हैं सेकंड। सपोज करें कि मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स को बी मान लेते हैं। तो मैट्रिक्स बी में कितने रो हो रहे हैं? तो एक रो हो गया, दूसरा रो, तीसरा रो, तो तीन रो हो गए, R1, R2 और R3 रो के लिए यूज करते हैं। अब इसमें कॉलम कितने हैं? मैट्रिक्स बी में कितने कॉलम हैं? अगर कोई पूछे तो क्या बताएंगे? फर्स्ट और सेकंड, दो कॉलम है, C1 और C2। कंफर्म हो रहा है रो और कॉलम इजीली बता सकते हैं आप लोग? गुड। अब इसमें आते हैं, दैट इज मैट्रिक्स सी और इसको मैट्रिक्स डी मान लिया। तो मैट्रिक्स सी में कितने रो है? एक ही रो है। मैट्रिक्स सी में सिर्फ एक रो है, लेकिन कॉलम कितने हो गए? छह हो जाएंगे। कॉलम तो ऐसे होता है, तो ऐसे कितने हैं? छह हैं और ऐसे वन है। अब मैट्रिक्स डी के लिए देखते हैं। तो मैट्रिक्स डी में क्या होगा? एक कॉलम है, कॉलम यहां एक हो गया और रो सिक्स हो जाएंगे। कंफर्म हो गया? यानी कि एक तो मैट्रिक्स समझ में आ गया कि मैट्रिक्स क्या होता है। आफ्टर दैट मैट्रिक्स में जो टर्म्स यूज हुए हैं, रो और कॉलम समझ में आ गया। कि जो मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है उसको रो कहते हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट को कॉलम्स कहते हैं। क्लियर हो गया? अब एक और टर्म आता है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज गिवन एज R/C। किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो रो बाई कॉलम से दिया जाता है, यानी कि रो मल्टीप्लाई कॉलम लिखा जाता है, रीड किया जाता है रो बाई कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। यह क्या बताएगा? ऑर्डर बताएगा। यानी कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर, अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर कोई पूछ देगा तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर, ये हो गया मैट्रिक्स और यहाँ हो गया उसका ऑर्डर, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स ए के लिए अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाए तो हम ऑर्डर कैसे बताएंगे? तो इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं? पहले रो डालना है, उसके बाद कॉलम डालना है। कितने रो हैं? दो रो हैं और तीन कॉलम हैं। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हो गया 2/3। मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसी फॉर्म में बस वहीं पर ड्रॉप कर देना। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हो गया 2/3।
इट मीन्स दो रो और तीन कॉलम है। चलिए तो इसके बाद बताओ कि मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कितना होगा जी? कैसे मैट्रिक्स बी का ऑर्डर? बी में कितने रो हैं? तीन रो हैं और दो कॉलम हैं, तो 3/2 कन्फर्म हो रहा है। चलो मैट्रिक्स सी का ऑर्डर बताओ कि मैट्रिक्स सी का ऑर्डर क्या होगा? तो मैट्रिक्स सी में एक ही रो है लेकिन कॉलम 8 थे, नॉट 6 थे, तो 1/6। और मैट्रिक्स डी का ऑर्डर 6/1 क्योंकि 6 रो है और एक कॉलम है। कन्फर्म हो गया? तो इस पार्ट में हम लोग अब तक क्या सीखे, फटाफट रिकॉल करते हैं। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स का कैसे डिफाइन करें? तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और डाटास। कन्फर्म हो गया? अब रो और कॉलम क्या होते हैं? तो द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो, डिनोटेड बाई R1, R2, R3, R4 एक्सेट्रा। वर्टिकल अरेंजमेंट इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम, डिनोटेड बाई C1, C2, C3, C4 एक्सेट्रा। नाउ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज गिवेन एज R/C, रो बाय कॉलम। रो और कॉलम को लिख देते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन दे दें और रीड करेंगे रो बाय कॉलम। मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट नहीं बताना है, प्रोडक्ट बताएंगे तो टोटल एलिमेंट बता देगा कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है ना, तो इस मैट्रिक्स के अंदर 6 एलिमेंट है। ध्यान ये रखना है कि यहाँ कॉमा नहीं देना है, कॉमा का साइन नहीं देना है। सेट थ्योरी में कॉमा का साइन देते थे, याद है ना? गुड। यहाँ कॉमा का साइन नहीं देना, बस थोड़ा सा स्पेस दे दे करके उनको लिख रहा ताकि वो सेपरेट दिखाई दें। अगर सेपरेट नहीं दिखाई पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 203 हो जाएगा, 147 दिखाई देने लगे। इसे थोड़ा सा स्पेस लेकर आप लोग लिखेंगे। रो हो गया, कॉलम हो गया, ऑर्डर हो गया, एलिमेंट, थोड़ा सा एलिमेंट पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हम बनाएंगे आगे। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स थे? 6 एलिमेंट थे, 6 एलिमेंट थे। तो 6 एलिमेंट वाले मैट्रिक्स में के पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते थे? तो ये पॉसिबल ऑर्डर होंगे, 4 टाइप के मैट्रिक्स बन सकते हैं। 6 है तो 6 का फैक्टर निकालो ना जी, 6 का फैक्टर, दो दो का पेयर बनाकर लिखो, तो 1 × 6 या 6 × 1, 2 × 3 या 3 × 1। तो पॉसिबल ऑर्डर हम फाइंड कर सकते हैं इसके हेल्प से। अब यहां आ गया कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स है तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, कोई बता सकता है? पॉसिबल ऑर्डर, If a matrix has 8 element, अगर matrix के element मालूम है कि उस matrix में कितने element है, तो उसके possible order हम easily बता सकते हैं कि उसमें possible, उसके possible order कौन कौन से होंगे। 8 है तो 8 का factorize करो, 2 part में multiply करके 2 part में, तो पहले 1 से ही start करते हैं ना, 1 × 8 और 8 × 1, 2 4 पर बन सकता है, 2 × 4 और 4 × 2, और तो नहीं बनेगा कोई फैक्टर बस। यानी कि अगर 6 एलिमेंट रहे या 8 एलिमेंट रहे तो 4 बना सकता है, 12 एलिमेंट रहे तो क्या करेंगे। इसी में क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, इफ अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स देन पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, बताओ फटाफट पॉसिबल ऑर्डर। 12 एलिमेंट है तो इसके फैक्टर तो थोड़ा सा ज्यादा बनेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 × 12, 12 × 1, 1 लिखेंगे उसको रिवर्स करके तुरंत लिखेगा, 2 से 2, 12 को डिवाइड करेगा, यस 2 6 है, 2 × 6, 6 × 2, कंफर्म हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, 3 × 4, 4 × 3, तो इतने सारे पॉसिबल ऑर्डर होंगे अगर 12 एलिमेंट है। 13 एलिमेंट होगा तो कितने होंगे? इफ अ मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट देन व्हाट विल बी द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? सिर्फ दो, 13 इज अ प्राइम नंबर,
तो इसके एक ही फैक्टर होगा, 1 × 13 या 13 × 1। कन्फर्म हो गया कि अगर एलिमेंट हमें मालूम है तो हम बता सकते हैं कि उस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। चलिए एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय Aij। कह रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को Aij से डिनोट किया जाता है। द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय Aij वेयर I नंबर ऑफ रोज और J जो है वो नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ए क्या है? नंबर ऑफ रोज है। और बी क्या है? नंबर ऑफ, जे क्या है? आई नंबर ऑफ रोज है और जे जो है नंबर ऑफ कॉलम्स है। फॉर एग्जांपल सपोज करो कोई एक मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ है 1, 2, 3, 0, 4, 1, -3, 2, 5, 0, -2, 1। यह एक मैट्रिक्स है तो क्या आप बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कितने रो है इसमें? 1, 2, 3, 3 रोज है। कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3, 4 कॉलम। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स ए का क्या ऑर्डर हो जाएगा? तो 3/4। अब एलिमेंट फाइंड करना है, एलिमेंट फाइंड करना है यानी कि A12 फाइंड करना है। A12 यानी कि फर्स्ट आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू 2 है। I और J लिखा हुआ है ना, हाँ, तो I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2 यानी कि फर्स्ट रो का सेकंड मेंबर, फर्स्ट रो का सेकंड मेंबर यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ऐसे ही पढ़ सकते हैं, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में जो आएगा 2, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि फर्स्ट रो का सेकंड मेंबर, फर्स्ट रो का सेकंड मेंबर 2 हो गया और A 3 4। इट मीन्स क्या हो गया कि थर्ड रो का फोर्थ मेंबर, थर्ड रो का फोर्थ मेंबर, तो थर्ड रो ये हो गया, फोर्थ मेंबर 1 हो गया। वेरी सिंपल है, बहुत इजी बता सकते हैं, A13 + A31। अगर इसकी वैल्यू निकालने को कह दिया 1 मार्क्स में आ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना। A13 + A31 अगर फाइंड करना है, इट मीन्स फर्स्ट रो का थर्ड मेंबर, फर्स्ट रो का थर्ड, फर्स्ट रो का थर्ड मेंबर 3 है प्लस थर्ड रो का फर्स्ट मेंबर, थर्ड रो का फर्स्ट मेंबर 5 है, कितना आ गया 8। वेरी सिंपल, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। एलिमेंट समझ में आ गया कि एलिमेंट है और एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, Aij से डिनोट करते हैं। कन्फर्म हो गया। तो मैट्रिक्स क्या होते हैं, रोज कॉलम एलिमेंट्स ऑर्डर, ये सब कन्फर्म हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे कैसे, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। अब सीखेंगे कि मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है विद टेकिंग एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हुए हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स, 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। कुछ एलिमेंट्स आर गिवन बाय 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका एलिमेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेता हूं।
कंस्ट्रक्ट और 2x2 मैट्रिक्स हुज हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई ए आई जे इक्वल टू, जिसके एलिमेंट्स कैसे दिए गए हैं, आई प्लस जे का द होल स्क्वायर बाई टू, आई प्लस जे द होल स्क्वायर बाई टू। एक हमें मैट्रिक्स बनाना है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई इतना। एलिमेंट्स कैसे निकालना है वो दिया हुआ है, वेरी सिंपल है। नाउ इन सॉल्यूशन, सबसे पहले जिस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है उसको सपोज करते हैं। लेट द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 बी ए, अब 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है यानी कि दो रो और दो कॉलम होंगे, तो यहाँ हो गया A11, A12, A21, A22, दो रो और दो कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। तो जो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्मेट में होगा। अब हमें क्या करना है, चारों की वैल्यू निकालें, जो इसके अंदर एलिमेंट है उस एलिमेंट के वैल्यू निकालें। एलिमेंट का वैल्यू निकालने के लिए एक रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, बट गिवन ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का द होल स्क्वायर बाई टू। इस रिलेशन के थ्रू इन चारों की वैल्यू निकालेंगे, जैसे ही वैल्यू निकल जाएगी इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर हो जाएगा। देयरफॉर ए 1 पहले निकालते हैं, 1 इट मींस आई का वैल्यू भी 1 है और जे का वैल्यू भी 1 है, आई भी 1 और जे भी 1 डालना है, तो 1+1 का द होल स्क्वायर बाई टू। आई जे दोनों की जगह 1 डाल देंगे स्क्वायर, तो 1+1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब ए 1, 2 निकालना है, आई का 1 जे का 2, आई का 1 डालेंगे जे का 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 1+2 3, 1+2 का द होल स्क्वायर बाई 2, डिवाइड में तो 2 ही रहेगा फिक्स है, तो ये हो गया 9/2। ए 2, 1, अब 2, 1 निकालना है तब ऐसे ही होगा 2+1 का स्क्वायर बाई 2, वह भी 9/2 हो गया। एंड फोर्थ पार्ट है ए 2, 2, 2+2 का द होल स्क्वायर बाई 2, तो 2+2 4 होता है और उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 होगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए इक्वल टू, जो मैट्रिक्स निकालने को कंस्ट्रक्ट करने को बोला गया है वो मैट्रिक्स क्या हो गया, सबका वैल्यू जो निकाले है ना उसको पुट कर, ए 1, 1 की वैल्यू कितना है 2, ए 1, 2 का वैल्यू कितना है 9/2, 2, 1 का ये भी 9/2 और इधर 8। कंफर्म हो गया कि अगर एलिमेंट दिया हुआ, एलिमेंट के लिए रिलेशन दिया हुआ है कि किस रिलेशन से एलिमेंट निकालना है, तो हम उस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स आप लोगों ने सीखा, इस टाइप के इसमें 4 और क्वेश्चन हैं जो कर सकते हैं, या जो अदर बुक से भी बच्चे बनाते हैं RS और RD शर्मा उसमें भी हैं, तो वहाँ भी कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड हो जाएगा। एक टॉपिक और है उसको भी इसमें बताता हूँ कि वह क्या है, नोट कर लीजिए इसको। गुड, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स क्या,
टॉपिक हो गया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, किन दो मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड है आइडेंटिकल एलिमेंट्स। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल, दो मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स हम कहेंगे जब वे दोनों सेम ऑर्डर के हों और उनके एलिमेंट आइडेंटिकल हो, हूबहू सेम एलिमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैट्रिक्स ए यहाँ लिखा हुआ है 213302 और मैट्रिक्स बी में भी लिखा है 213302, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी जो हैं दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर कितना है 2/3, इसका ऑर्डर 2/3 होगा, इसका ऑर्डर भी 2/3 होगा, क्योंकि दो रो और तीन कॉलम है, इसलिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम होने के साथ साथ इन दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वे दोनों एलिमेंट्स भी आइडेंटिकल है, फर्स्ट एलिमेंट सेम है, सेकंड सेम है, थर्ड सेम है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, सारे एलिमेंट आइडेंटिकल हैं, इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर ए इक्वल टू बी, ये दोनों जो हैं इक्वल मैट्रिक्स हैं, यानी कि मैट्रिक्स जो हैं इक्वल है, इक्वालिटी यहाँ एस्टेब्लिश्ड हो जा रही है। कन्फर्म, ओके। अब इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन हम करते हैं कि अगर इक्वल मैट्रिक्स दिया रहेगा तो इस पर क्वेश्चन आएंगे कैसे, किस टाइप के क्वेश्चन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पर बेस्ट पूछे जाएंगे। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पर जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे वे किस टाइप के होंगे, इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, और इसके लिए हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 3.1 एक्सरसाइज, 3.1 एक्सरसाइज का 6 नंबर क्वेश्चन का। अब यहाँ मैं सेकेंड पार्ट ही करता हूँ, फर्स्ट पार्ट छोड़ता हूँ आपके लिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस गिवन है, पहले जो इक्वेशन दिया हुआ इक्वेशन को राइट डाउन करेंगे, एक्स प्लस वाई टू फाइव प्लस जेड इंटू एक्स वाई इक्वल टू 6258। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है, x प्लस वाई टू फाइव प्लस जेड एक्स वाई और इक्वल टू, दो डिफरेंट मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, दैट इज ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं या गिवन नहीं है। लिखेंगे सिंस दिस टू मैट्रिक्स आर इक्वल, सिंस दिस टू मैट्रिक्स आर इक्वल है, दोनों के दोनों क्या हैं इक्वल मैट्रिक्स है, तो इक्वल मैट्रिक्स है, देन इक्वल मैट्रिक्स होंगे तो कंडीशन क्या है कि उनके एलिमेंट आइडेंटिकल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आइडेंटिकल होंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू सिक्स, दिस इज इक्वेशन वन, और फाइव प्लस जेड इक्वल टू फाइव, फाइव प्लस जेड इक्वल टू फाइव, तो यहां से अगर जेड का वैल्यू हम लोग निकाल ही सकते हैं ना, जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि फाइव उधर जाकर माइनस हो जाएगा, फाइव माइनस फाइव क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो जेड का वैल्यू तो निकल गया। अब एक्स वाई निकालना है, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए, दूसरा इक्वेशन है एक्स इंटू वाई इक्वल टू एट, एक्स इंटू वाई इक्वल टू एट, कन्फर्म हो गया, दो इक्वेशन दिया हुआ है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एक्स का वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर देंगे या वाई का वैल्यू पुट कर, दोनों में से कोई एक वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन
तो इक्वेशन वन से एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिक्स माइनस वाई, तो एक्स की जगह पे यहाँ सिक्स माइनस वाई डाल देंगे, और यहाँ वाई पहले से था और ये एट हो गया, यहाँ एक्स इंटू वाई था, एक्स इंटू वाई इक्वल टू एट था, एक्स का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन वन से निकालेंगे तो सिक्स माइनस वाई होगा, तो एक्स की जगह पे सिक्स माइनस वाई पुट कर देंगे, और वाई तो ऑलरेडी था ही इक्वल टू एट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे मल्टीप्लाई करते थे दिस इम्प्लाइज दैट सिक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू एट। अब सबको राइट साइड भेज देंगे ताकि ये वाई स्क्वायर पॉजिटिव हो सके, राइट साइड में जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा, सिक्स वाई माइनस हो जाएगा और एट प्लस है, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो। अब एट मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, और मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसका फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकाल कर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व किए हैं टेंथ में उस तरीके से कर लेंगे, दो फैक्टर होगा, फोर और टू पर सेट हो जाएगा, तो वाई माइनस फोर और वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो वाई का दो वैल्यू आ गया, एक फोर हो गया और एक टू हो गया, वाई का दो वैल्यू आ गया यहाँ। अब इन दोनों के रिस्पेक्ट में एक्स का भी दो वैल्यू निकाल लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन वन व्हेन वाई इक्वल टू फोर, जब हम y का 4 लेते हैं तो y का जब 4 लेंगे तो 4 उसमें जाकर माइनस हो जाएगा, y का 4 लेते हैं तो y का 4 लेंगे 4 माइनस होगा 6 माइनस 4, तो x का कितना आ जाएगा 2, एक पेयर आंसर हो गया। दूसरा कंडीशन कर रहे हैं व्हेन y इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 4, जब हम y का 4 लेंगे तो 4 जाकर सबट्रैक्ट होगा तो x का 2 हो जाएगा, अगर y का हम 2 लेते हैं तो 2 जाकर वहां सबट्रैक्ट होगा तो x का 4, तो ये दो पेयर में आ गया आंसर, या तो 2 4 होगा या 4 2 होगा, एक्स वाई का वैल्यू, जेड का तो कन्फर्म है कि जेड का ऑलवेज 0 हो गया। तो मैं यह समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी आप लोगों को सिखाने की कोशिश की गई है आप लोग सीख गए होंगे, और इसके हेल्प से आप लोग एक्सरसाइज 3.1 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक करने के काबिल बन गए। तो इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो के हेल्प से जितना क्वेश्चन हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कीजिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बारे में पढ़ेंगे, वन बाय वन करके टॉपिक वाइज वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोग घर बैठे इस कोविड-19 के युग में सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट मोड ऑफ स्टडी मंत्र के सहारे अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी जारी रखेंगे। इसी आशा के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। गुड बाय।